हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला श्री ग्रंथ चैतन्य मंगल से, जो लोचनदास ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें वर्णन किया गया है भगवान गौर की बाल लीलाओं का। भगवान गौर की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। आज हम उसी जब गौरांग महाप्रभु निमाई निमाई
के रूप में, बालक के रूप में अलग अलग लीलाएं करते, कई बार अशुभ जगह, जो भौतिक रूप से अशुभ जगह है, उस पर भी बैठ जाते और ऐसी कुछ लीलाएं करते थे जिससे माता को क्रोध आता था। तो माता उनके ऊपर नाराज होती थी। और माता उनको वो, फिर माता की बात मान लेते थे कुछ समय पश्चात। ऐसी एक लीला थी जिसमें भगवान एक बार छोटे पिल्ले के साथ, कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तो उनकी माता जो है माता उनसे बोलती कि तुम पिल्ले को छोड़ दो, आओ मेरे प्रिय पुत्र, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ, शांत रहो, मैं तुम्हारा मुख को चूमूंगी। हे प्रिय, अपने कुत्ते को छोड़ दो और गंगा जल नदी में जाकर स्नान कर लो। कुछ दिन के 6 घंटे तो दिन के 6 घंटे तो पहले ही बीत चुके हैं और तुम्हें भूख भी नहीं लगी, तो मुझे कितना तंग करते हो। अपने पिल्ले को बांध दो और जाकर स्नान कर लो, बाद में तुम अपने पिल्ले के साथ खेल सकते हो। अब तुम्हें कुछ दोपहर का भोजन खाना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वर्ण कमल तपती धूप में मुरझा जाता है, उसी प्रकार भगवान गौर का मुखमंडल भी मुरझा गया। उनकी नाग के अग्रभाग पर पसीने की एक बूंद जागृत हो गई। अपने पुत्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए शची माता ने अनुभव किया कि जैसे उनकी प्राण शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। आगे बोलते हैं, मायेर उत्तर सुनी विशंभर, हंसी उठे बोले वाणी, मोर श्वास सुना जानी जान को, जानी जाए को था, तभी से जानी बे आपनी। माता शची के वचनों को सुनकर भगवान विश्वंभर मुस्कुराए और कहने लगे, मैं स्नान करने जाऊंगा। यहाँ बोली हरी मायर गला धरी, स्नान करी भारी चाहे, ए धूली छाड़िया ए धूली झाड़िया, बदन मुछिया गंध तेल दिल गाए। ऐसा कहकर भगवान ने अपनी माता का आलिंगन किया और तथा अपने स्नान की तैयारी की। माता शची ने उनके चेहरे की धूल पहुंचकर भगवान के अंगों पर सुगंधित तेल का लेप किया। स्नान करी बारे जाए गंगा तीरे, वयस्य करिया संगे, सुर नदी जले अति कौतूहले, जल क्रीड़ा करे रंगे। भगवान विश्वंभर स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे गए। उन्होंने गंगा के जल में अपने मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ाएं की। सबे सेवांगे जल देह रंगे, मातिल कुंजर जेन, गोरा वन तनु सुमेरु से जनु, अटल अद्भुत है न। भगवान विश्वंभर का स्वरूप अद्भुत था और सुमेरु पर्वत के सदृश अचल था। जिस प्रकार एक जंगल का हाथी अपने साथियों के संग जल में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान विश्वंभर ने भी अपने मित्रों के साथ जल में क्रीड़ाएं की। एथा शची देवी मने अनुभवी, स्वाने रे छाएड़ी दिल, निजे माता पाइया संगे दे गेल धाइया, ना जानी कोथा रे गेल। इसी बीच शची देवी ने पिल्ले को मुक्त किया। तो बोली, मुझे नहीं पता कि पिल्ला कहाँ चला गया, शायद वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गया होगा। कुत्ते का पिल्ला था जिसके साथ निमाई खेल रहे थे। सही खाने एक आछिले बालक धाइया गेल गंगा कूले, सुनी विशंभर जननी तुम्हारे श्वान सुत एड़ी दिले। उस समय वहां पर अनेक बालकों में से एक बालक उपस्थित था। वो दौड़कर गंगा के किनारे गया और बोला, विशंभर तुम्हारी माता ने पिल्ले को मुक्त कर दिया। बालक वचन सुनिया तखन सतवर ए आईला धाइया, जेखाने थाकित सही स्वान सुत सेखाने देखी ले गया। लड़के भगवान की बात सुनकर, लड़के के साथ बात सुनकर निमाई घर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि पिल्ला जा चुका था। चारी दिके दिचाए श्वान शिशु नाए, अंतर ज्वलि ले कोपे, कांदे उभराए गाली दे माए,
श्वानेर है, श्रावक अशोक है, उन्होंने चारों दिशाओं में देखा परंतु उन्हें अपना पिल्ला नहीं दिखाई दिया। उनका हृदय क्रोध की ज्वाला में जलने लगा, वे रोने लगे। उन्होंने अपनी माता को डांटा फटकारा, वे पिल्ले के कारण अत्यधिक संतप्त हो गए थे, पिल्ले से अत्यधिक आसक्त हो गए थे कुत्ते के। ये भगवान की बाल्य लीला है। भगवान तो किसी से आसक्त होते ही नहीं भौतिक जगत में, लेकिन ये अपनी बच्चे की लीलाएं करने के लिए वो कुत्ते के बच्चे से आसक्त हो गए थे, तो इसलिए रोने लगे। सुन बोधिनी की, सुन बोधिनी की केली जननी, ए दुख दे लो मोरे, परम सुंदर श्वान शिशुवर के मते दिली का हारे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख माता, सुनिए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बहुत अधिक पीड़ा और कष्ट पहुंचाया। यह पिल्ला अत्यंत सुंदर था, आपने ऐसा क्यों किया? बोले सची रानी, आमित न जानी श्वानेर शावक तोर, ऐ खाने छिले के बकते नील के मने बालक चोर। सची देवी ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे पिल्ले को क्या हुआ है, शायद कुछ लड़के आए और उसे चुरा के ले गए। कौन प्रयोजने क्रह कंदने श्वानेर शावक लागी, करिया यतन चाहि वने वन काली दीप आनी आगी मागी। एक पिल्ले के लिए तुम क्यों रो रहे हो? कल मैं वन वन जाकर उसे खोजूंगी, मैं तुम्हारे पिल्ले को वापस ढूंढ कर लाऊंगी। करह अवधि आपन शपथी करिया बोल मो तोरे, श्वानेर शावक आनी दीबे तो के नाकांद नाकांद कार आरे। तुम शोक मत करो, शोक करना बंद कर दो, मैं तुम्हारा पिल्ला वापस ला कर दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम रो मत, कृपा करके अब और अधिक रोना बंद कर दो। एत के बलि ना बयान मुछिया, पुत्र को ले हरी नील, श्रीमुख चाहिया हर्षित है या लाख लाख चुंब दिल। ये वचन बोलकर माता ने अपने पुत्र के चेहरे से आंसू पोंछे और उसको गले लगा लिया। वह उसके मुखमंडल को एकटक देखते हुए आनंदमय हो गई, उन्होंने उसे लाखों करोड़ों बार चूमा। अंगेर मार्जना करी सुचि पड़ा, नहाए ले गंगा जले, संदेश मोदक क्षीर कदलक भक्षण करी ले भाले। उन्होंने उसे थोड़ा और अधिक स्वच्छ करने का अभिनय करते उनके अंगों को पोंछा और फिर गंगा जल से उसका स्नान किया। तत्पश्चात माता ने उन्हें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन जैसे संदेश मोदक क्षीर तथा कदलक इत्यादि खिलाए। तीन जूठी माथे पांच खूपी थाते, एकत्र करिया बांधे, नया ने काजर सुरेखा उजुर दीठी ए जंगत रंजे। उन्होंने उनके केशों से एक जुड़ा बनाया तथा उनके नेत्रों को भव्य काले काजल से अलंकृत किया। उन्होंने उनके केशों से एक जुड़ा बनाया तथा उनके नेत्रों को भव्य काले काजल से अलंकृत किया। उन्होंने अपने पुत्र को पूर्ण रूप से वैभवशाली बना दिया। रक्त प्रांत धड़ा कटी दिए बेड़ा, प्रपद अंचल दोले, मुकुतार हार हृदय उपार चंदन तिलक भाले। शची देव ने उनकी कमर के चारों ओर एक लाल कमरबंद बांधा जो उनके पांव की उंगलियों तक लटक रहा था। उनके वक्षस्थल पर मुक्ता का हार पहनाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। अंगद कंकण अमूल्य रतन चरण मगर खाडू, बाल के रिठाई खेली बारे जाई हाथे करी क्षीरे लाडू। उन्होंने अमूल्य रत्नों से निर्मित कंगनों तथा बाजूबंद से अपने पुत्र का श्रृंगार किया। उनकी पायों में पायल डाली तब भगवान बालकों के संग खेलने हाथ में लड्डू लेकर निकल पड़े। गमन सुंदर जिने कुंजर बचन गभीर मधु, बाल केर माझे शोभे द्विजे राजे ताहे बेढल विधु। उनकी मनोहर चाल ने लालित्यपूर्ण जंगली हाथियों को भी परास्त कर दिया था। उनकी आवाज गाढ़े शहद के सदृश थी। बालकों से घिरे हुए भगवान गौर जो ब्राह्मणों के राजा हैं, तारों से घिरे चंद्रमा के सदृश प्रतीत हो रहे थे। ए छेन लीलाए ठाकुर खेलाए देवता देखिए हासे, मार्जर कुकुर परश ठाकुर कौतुक लोचन दासे,
समस्त देवतागण भगवान को खेलते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर कि भगवान गौड़ ने बिल्लियों तथा कुत्तों का भी स्पर्श किया है, लोचनदास आश्चर्यचकित हो गए। गौरांग परशे से कुकुर भाग्यवान, स्वभाव छाड़िया तार हेल दिव्य ज्ञान। भगवान गौरांग के स्पर्श से कुत्ता भी भाग्यशाली बन गया। कुत्ते के अपने स्वभाव का पूर्ण रूप से परित्याग करके वो दिव्य ज्ञान से पूरित हो गया। राधा कृष्ण गौरांग बोलिया डाके नाचे, नदी आर लोक देखी धाये सब पाछे। राधा कृष्ण गोविंद कहते को पुकारते कुत्ता नृत्य करने लगा, नदियां में प्रत्येक व्यक्ति उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। कुकुरे आवेश ए मत सबे दिखी, पुलकित सब अंग अश्रु में आखी। जब कुत्ते में भावावेश के लक्षण पुलकित अंग और आंसुओं से भरी आंखें प्रकटी, तब प्रत्येक व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। आचंबिते श्वान देह छाड़ी भाग्यवान, कृष्ण लोक हैया करे गोली के पया। वो आत्मा अचानक अपने कुत्ते की देह त्याग करके भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में चली गई। सबे देखे दिव्य रथ से हसी आसिया, आकाश रे पथे जाए तहाने लिया। एक दिव्य विमान अचानक वहां पहुंचा और उस आत्मा को आकाश में लेकर चला गया। सुवर्ण ने रथ चारु सहस्त्र शिखर, मणि मुकुट तार झारा करे झलमल। रत्नों तथा तो मोतियों से सुशोभित वह स्वर्णिम विमान हजार किरणों वाले सूर्य के साथ समान चमक रहा था। लक्ष लक्ष घंटा ध्वनि हई छे आता हाथे, कांस्य करे ताल कत बाजे युथे युथे। करोड़ों घंटियों की आवाज गुन उठी और बहुत बड़ी संख्या में करताल बज उठे। शंख ध्वनि जय ध्वनि हरि ध्वनि सुनी, गंधर्व किन्नर गाए राधा कृष्ण वाणी। शंख तथा जय एवं हरि की पुकार की आवाजें सुनकर गंधर्वों किन्नरों ने श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। ध्वज पताका सब उड़े रथों पर, सूर्य रे मंडल ढाके किरण उजर। विमान बहुत सारे ध्वजों से सुशोभित था, वो सूर्य के गोले के सदृश चमक रहा था। रथ मध्य स्थाने एक रत्न सिंहासने, कमनीय कांति ते हो अति मनोरम। विमान के मध्य भाग में खूबसूरत भव्य आकर्षक और मनोहरी नवमुक्त आत्मा एक रत्न सिंहासन पर विराजमान। दिव्य आभरण तार अंगे अंगे माजे, अंग अंगे माजे साजे, कोटि कोटि मर्दन मूर्छित है लाजे। परम शीतल हेल कोटि चंद्र जिनी, परम शीतल हेल कोटि चंद्र जिनी, राधा कृष्ण गौरांग बोलिया करे ध्वनि। उनकी आनंददायक शीतलता एक करोड़ चंद्रमाओं को भी परास्त कर रही थी। वे राधा कृष्ण गौरांग का उच्चारण कर रहे थे। सिद्ध गण सबे आसी चामर करिया, चलीला गोलोक पथे ताहरे लैया। बड़ी संख्या में सिद्ध गण उनको चामर से पंखा चला रहे थे। सिद्ध गण सबे आसी चामर करिया, चलीला गोलोक पथे ताहरे लैया। बड़ी संख्या में सिद्धगण उनको चावर से पंखा चला रहे थे। इस प्रकार से वे गोलोक के मार्ग की यात्रा पर चल दी। ब्रह्मा शिव सनक आदि सबे करे जुड़ी, गौरांग महिमा गाए सबे रथे बेड़ी। ब्रह्मा जी शिव जी सनक तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उनके समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े थे। विमान में उनको घेरे हुए वे सब भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान कर रहे थे। जय जय कृपा सिंधु शचीर नंदन, एमन करुणा प्रभु ना खेल कखन। उन्होंने गान किया जय हो शची पुत्र की जय हो, जो दया के सागर हैं,
भगवान इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर दया क्यों, दया कृपालु क्यों नहीं। कुकुर उधार करी गोलक पठाए, देवी देह है न का प्रभु को के हो नहीं पाए। आपने कुत्ते का उधार किया, आपने कुत्ते का उद्धार किया, उसे आध्यात्मिक देह प्रदान करके उसे गोलोक ले गए, आप वही सब हमारे लिए क्यों नहीं करते। जय जय अगतिर गति गौर हरि, जय जय अवतार सबार उपरि। जय हो पतित अधम लोगों के आश्रय भगवान गौर हरि की जय हो। जय हो समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय। तुम्हारे करुणा है कलि जीवन निस्तारी, आर की बालीला तोर अलौकिक है। आपकी कृपा से कलयुग में रहने वाली आत्मा का उद्धार हो जाएगा। आप कौन सी अन्य आश्चर्यजनक लीलाएं प्रकट करेंगे। मोरा सब देव कबे हब भाग्यवान, पाई बे तोमार पद प्रसाद प्रधान। हम देवतागण कब सौभाग्यशाली होंगे, कब हम आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त करें। कुकुर तरिया जाए तोमार परशे, एमन करुणा प्रभु नाही ऋषिकेशे। आपने स्पर्श मात्र से कुत्ते का उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि जब आप भगवान कृष्ण के रूप में आए, तब आप इस प्रकार से इतने दयालु नहीं थे। कबे मोरा ही बे एमन भाग्य भागी, कुकुरे करता थे केले ताई मोरा मागी। हम कब भाग्यवान बनेंगे। आपने कुत्ते की को सिद्धि प्रदान करी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान भाग्यशाली बन जाए। नमो नमः दोष दर्शी गौर राय, नमो नमः तोमार सुंदर दुई पाए। हे भगवान गौरांग, आपको प्रणाम है। आप किसी का दोष नहीं देखते हैं, आपके दोनों मनोहारी व लालित्यपूर्ण चरणों में हमारा प्रणाम। अनुब्रजे हैं न रूपे यत देवगण, कभी मोरा पाव गौरा चांदे रचन। हम सभी देवतागण भगवान के अनुयायी तथा सेवक हैं, हम भगवान गौरचंद्र के चरणों को कब प्राप्त करेंगे। यथा गोलोक के केते आइला बहा भाग्यवान, गौरांगे रे लीला अनुव्रत तथा गान। इस प्रकार से अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा गोलोक चली गई और भगवान महान भक्तों ने भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। अद्भुत गौरा चांदेर प्रकाश, आनंदे कहे गुण लोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौरांग जी की अत्यधिक विस्मयपूर्ण लीलाएं प्रकट हुई थी। अत्यधिक प्रफुल्लित लोचन दास उनका वर्णन कर। तबे शची देवी मने अनुभवी, षष्ठी व्रत करी बारे। पूरे नारी जत सबे करत व्रत, गिया वट वृक्ष तले। एक दिन शची देवी ने अपने हृदय में देवी षष्ठी की आराधना करने के लिए व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। गांव के स्त्रियों के संग उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे उसे उस व्रत को संपन्न किया। नेमे धीरे सज्ज करिया सुसज्ज, आंचले ढाकिया लिया। व्रत करी बारे जाए बट तले, अति हर्षित हया। उन्होंने भोजन के उत्तम व्यंजन तैयार किए, उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से ढका और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे से उस व्रत को संपन्न किया। ए नहीं समय विषम्भर राय, खेलित पथ जननी देखिया आइल धाइया की लायो जाओ माते। उसी क्षण भगवान विश्वंभर राय मार्ग पर खेल रहे थे। अपनी माता को देखते से उनके पास दौड़कर पूछा, आप अपने हाथों में क्या ले जा रही हैं। बहु पासरिया पथ आगुलिया, जननी राखी ते चाय। की बाली जाए धरी बारे चाए, आखटी करिया माए। अपनी बाएं आगे की ओर बढ़ाकर उन्होंने अपनी माता का मार्ग रोका।
वे अपनी माता को रोकना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की और कहा, ये क्या है, आप क्या भेंट लिए जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए। देवाराधने करिया यतने लैया ने विद्य खानी, षष्ठी पूजी बारे जाई बट तले एका ने खेल है तुम्हें। वे बोली, मैं देवताओं की उपासना करने के लिए भोजन ले जा रही हूँ, मैं देवी षष्ठी की पूजा करने के लिए बरगद के वृक्ष की ओर जा रही हूँ, तुम अब जाओ और खेलो। आसी बारे बेले प्रसाद तुम्हारे आनी दी बशु ने बाप, देविता पूजी वे बरसे मांगी वे गुची वे अमंगल ताप। प्रिय पुत्र सुनो, बाद में मैं वापस आकर तुम्हें प्रसाद दूंगी, अभी मैं देवी की पूजा करूंगी, उनसे एक वरदान मांगूंगी तथा तो उस वरदान से मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को नष्ट कर दूंगी। इस प्रकार वे बोली। एतके उत्तर जननी अंतर जानी ना श्री विशंभर, कहे लहु मणि अमी लावणी मुखे मिलाई अच्छे तार। अपनी माता के मन की बात को जानते हुए श्री विशंभर सौम्य भाव से बोले, अमृत सदृश शब्द उनके मुख में प्रकट हो गए। ए मने तोरे बोले बारे बारे ना बुझसी अबोधिनी, क्षुदाए आमार पोड़ाए अंतर नेवे देखाए बे आमी। कहने लगे, मूर्ख माता, मैं तुम्हें बारंबार बताता हूँ जो तुम नहीं समझ पाती, मेरे पेट में ज्वाला जल रही है, मैं अभी यह भेंट खाऊंगा। यहाँ बोली धरी सही गौर हरी नैवेद्य भरी ले मुखे, देखी आ जननी हाहाकार वाणी अंतर जली ले दुखे। ये शब्द कहते हैं भगवान गौरी ने भेंट झपट कर छीन ली तथा उसे अपने मुख में डाल दिया। यह देखकर माता शची ने कहा, हाय हाय, दुख एवं कष्ट की ज्वाला तो अब मेरे हृदय में जल रही है। देवतार द्रव्य घृत मधु गव्य विशंबर खाइल देखी, शचिर अंतरे धक धक करे कोपे चले चले आखी। मैंने देवताओं की को अर्पित की जाने वाली मधु दूध तथा घी से निर्मित मिठाइयां अपने विशंबर को खाते देखा। मैंने देवताओं को अर्पित की जाने वाली मधु दूध तथा घी से निर्मित मिठाइयां अपने विशंबर को खाते जाते देखा। शची के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। उनके नेत्रों से क्रोध रूपी अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो माता जो देवताओं के लिए भेंट ला जाए तो उसको छीन के गौरहरी ने खा लिया। माता सची हाय हाय बोलती रही। अबोधिता पुत बुझाई वे कब देवता न मानी तुम्हें, ब्राह्मण कुमार हया दुराचार ए दुखे मारी बामी। ए बोली, मूर्ख पुत्र, मैंने कितनी बार तुम्हें सिखाने का प्रयास किया, तुम देवताओं का तनिक भी सम्मान नहीं करते, तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो फिर भी दुष्ट पूर्वक व्यवहार करते हो, केवल तुम्हारे कारण ही मैं दुख कष्ट की पीड़ा से मरूंगी। सुनी गौर मणि जननी रवाणी अंतर ज्वलिले कोपे, कहिले सब ना बुझिसे तब कुबोल बोल सी मौके। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान गौर क्रुद्ध हो गए, उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क भड़क उठी। वे बोले, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, जो शब्द आप मुझसे करें वह सब निरर्थक है। सुना बोधिनी आमी सब जानी आमी तीन लोक सा, जत यत देखे आमी मात्र एक त्रिभुवन है नाही आर। सुनो मूर्ख माता, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक उदात्त पुरुष हूँ, मैं स्वयं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, त्रिभुवन में मेरे अलावा कुछ और नहीं है। परु मूल जैन जल निशिचन ऊपर सिंचित शाखा, प्राण निवेशन इंद्रिय यमन एचन अमान लेखा। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से समस्त व्यक्ति समस्त शाखाओं को सींच देता है,
और जिस प्रकार व्यक्ति पेट को भोजन देने से समस्त इंद्रियों की रक्षा करता है, वही मेरे विषय में भी लिखा हुआ है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्ति ततस्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहारांच यथेन्द्रियाणाम तथेव सर्वाहरण सर्वाणमुच्यते जया। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनिया पुष्ट होती है, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां अंग प्राण और बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते। यह बोली हरि करिया चातुरी माये गलाए धरे शचिरे हृदय अति सविस्मये गेला षष्ठी पूजी बारे। ऐसी बुद्धिमता पूर्ण वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर हरि अपनी माता के गले लग गए। शची माता का हृदय आश्चर्य से पुरित हो गया और वे देवी षष्ठी की उपासना करने चली गई। तबे षष्ठी देवी बहु विद सेवी बोले कातर वाणी ए मोर छायो बड़े धामा दोष क्षमी वे अपने। उन्हें षष्ठी देवी को कई बार से प्रकार से सेवा की, भाव से अवरुद्ध आवाज में उन्होंने याचना की, हे देवी मेरा पुत्र अत्यंत नटखट है, कृपया उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। तुम्ही दिले मोर एक्षेपा कोड़े के मने लई बे दोष करी पे कल्याण ए मोरे नंदन ना करिए किछ रोष। आपने ही उसे मुझे प्रदान किया, फिर आप उसके द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरता पूर्वक क्यों स्वीकार करेंगे। कृपया मेरे मेरे पुत्र को मंगल प्रदान कीजिएगा, कृपया उससे नाराज मत होइएगा। सात पांच नहीं ए धन्नी माई दिले गोगा करुणा करी विघ्न नहीं है ए मोर तने ए बालक देवी तोरी। मेरे पांच सात पुत्र तो है नहीं, निमाई तो मेरा विशाल खजाना है, कृपया उस पर दया कीजिएगा, उस पर कोई भी विपत्ति नहीं आए। ए देवी ये पुत्र तो आपका ही है। ये तक के बलिया चरणे पड़िया यत वृद्ध नारी गणे बोलिए विनती करिए प्रणति आशीर्वाद करे मन। ये वचन बोलने के उपरांत शची माता वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों में गिर पड़ी। उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक और विनती करने लगी, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। चरण धूलि देह निजे बोली मोरा गौरा चांद शीरे ए मोर छायाल बड़े ही चंचल बुद्धि है ऐसे न स्थिर। कृपया अपने चरणों की धूली दे दीजिए, इससे मैं उसे अपने पुत्र के शीश पर रख सकूं, तब मेरा नटखट पुत्र गंभीर सौम्य बुद्धिमान हो जाएगा। ये षष्ठी देवी से प्रार्थना कर रही। दंते तृण धरी बोले शची देवी सबर चरण से सबे देह वर मोर विशंभर पुत्र हूँ चिरंजीवी। शची माता ने अपने दांतों के बीच तिनकर रखकर अत्यंत विनम्र होकर ये कथन बोले। उन्होंने वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों की आराधना करते हुए प्रार्थना की, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे पुत्र विश्वंभर की दीर्घायु हो। षष्ठी पूजा करी पुत्र करे धरी घरे ते आईला देवी जगन्नाथ सने करे अनुमाने मने अनुभव भावी। इस तरह से देवी षष्ठी की पूजा समाप्त करके शची देवी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर घर वापस आई। इस तरह से देवी षष्ठी की पूजा समाप्त करके शची देवी अपने पुत्र का हाथ पकड़कर घर वापस आई। बाद में उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को अपने हृदय की सब बात बताई।
कि कहीं बिहार सर्वदेव सार पृथ्वी ते पर खास बाल केरे संगे खेले नाना रंगे कहे लोचन दास। लोचन दास कहते हैं मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ, भगवान गौर समस्त देवताओं के स्वामी हैं। उन्होंने पृथ्वी प्रकट होकर अनेक बालकों के साथ खेलते हुए लीलाओं का आनंद उठाया। तबे यार कत दिने से सचिन नंदन धुलाए खेलाए राजपथ ए धूलि धूसर हेम गिरि कले बरे अनुगत वयस्य सहित। दूसरे दिन शची पुत्र राजमार्ग की धूल में खेल रहे थे। उनके शरीर धूल से ढका हुआ एक स्वर्ण पर्वत के सदृश लग रहा था, मानो वे अपने मित्रों के संग। शिशु शिशु धूला खेली क्षण है गाला गाली धूला रणे अंग दिगवास समान से वयक्रम सबे मिली एक मर्म धर्म बिंदु खेला रहे आयास। बच्चा बच्चा धूल में खेल रहा था। एक क्षण में एक दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे क्षण उनके शरीर केवल चारों दिशाओं से वस्त्र धारण करते हैं, वे धूल के युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं। ये सभी समान एक समान आयु वर्ग के थे, एक साथ एकत्रित होकर उनके हृदय जैसे धड़क ऐसे धड़कते जैसे कि एक ही हृदय धड़क रहा हो। अपने खेल में अत्यधिक शक्ति लगाने के कारण वे पसीनों की बूंदों से ढक गए। सभी मिली खेला खेले गुप्ते भेजा है न काले सही पथे अहिला चंबित तार यत निज जन संगे करे गमन ज्ञान पथे बिचारे पंडित। एक साथ मिलकर वे खेलते रहे, वे छुपते और फिर अचानक रास्ते में एकाएक दिखाई पड़ते। उस समय ज्ञान मार्ग में विद्या प्राप्त एक पंडित मुरारी गुप्त अपने अनुयायियों के संग उस मार्ग से गुजरे। तार संगे अनुमाने योग शास्त्र बाखाने कर शेरे करी अचालन देखी विषम भरे राय तार पाछे पाछे धाये अनुसरी गमन वचन। वह अपना सिर हिलाकर तथा हाथों द्वारा संकेत करके योग शास्त्र का वर्णन कर रहा था। यह देखकर भगवान विश्वंभर ने उसके वचनों तथा अंग संकेतों की नकल करते उसका पीछा किया। देखी वैद्य मुरारी कटाक्ष तिलक हरी पुनः करी योगेर बाखान सही मत विषम भरे योगेर बाखान करे तेन हाथ तेन मुख खान। चिकित्सक मुरारी ने अपने आंखों के कोने से भगवान पर दृष्टि डालते योग का वर्णन करना जारी रखा। चिकित्सक मुरारी ने अपने आंख के कोने से भगवान पर दृष्टि डालते योग का वर्णन करना जारी रखा। भगवान विश्वंभर उसकी नकल कर रहे थे। वो ऐसा बोल रहा था मानो उसका हाथ उसके मुख पर अटक गया हो। ए मत बेरी बेरी परिहास गौर हरी शिशु गण संगत करिया देखिया मुरारी वेद निचारण आचरण गद्य कुवचन कहिले ऋषिया। भगवान गौर हरि तथा लड़के बार बार उसका परिहास कर रहे थे, यह देख करके उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। चिकित्सक मुरारी क्रोध पूर्वक बोला इचारे के बोले भाल देखिए तो छायो याल मिश्र पुरंदर सुते एई सर्वत सुनिए कथा इहार से गुण गाता भाल नामे इहार निमाई। कौन कहता है कि लड़का अच्छा आचरण वाला है, मैं देख रहा हूँ कि ये जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, मैंने सब जगह इसकी यश का गुणगान सुना है, इसका नाम निमाई है। ए छन सुनिया मणि रुशीला से गौर हरि अनुगत कृपा र कारण है। सुरकुटी वदन करी बले वाक चातुरी जानाई वे भोजन रेक्षण। ये वचन सुनकर भगवान गौर हरि अपने अनुयायियों के प्रति दयावश क्रुद्ध हो गए। अपनी भौहें चढ़ाकर वाक्पटु भगवान हरि ने कहा जब तुम अपना भोजन ग्रहण कर रहे होगे तब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। सुनी विशंभर वाणी मुरारी से मनिन गणी घर गेला विस्मित ही आए ग्रह कार्य व्यापरते पासरी ले अनुचित्ते खेल तबे भोजन समय। ये शब्द सुनकर मुरारी ने अपने मन में सोचा ये आश्चर्यचकित होकर अपने
रानी मन में सोचा वो आश्चर्यचकित होकर अपने घर लौट आए। अपने घरेलू कार्यों में लीन होकर वो भूल गया कि क्या हुआ था। फिर उनके भोजन ग्रहण करने का समय आया मुरारी गुप्त की, जब वो अपने घर चले गए। यथा विशंबर हरि अंगेर शुभे शिकरी कटिते आटिया पीनते दाड़ा, शीर शोभे तने झूठी गला ऐसे रस काटी कंठे लग्न मुकुट दो बेड़ा। भगवान विशंबर ने ऐश्वर्य युक्त वस्त्रों की पोशाक पहनी, अपनी कमर में कमरबंद बांधा और केशों को 3 बार घुमाकर बनाए हुए जूड़े के रूप में बांधा और गले में एक तुलसी के मनकों की माला तथा दूसरी सुंदर मोतियों की माला डाली। नया ने काजल रेखा पांच थुपी बांधे शिखा झलमल हेमा अलंकार, चरणे मगरा खाडू हाथ करी क्षीर लाडू चरीला ठाकुर विशंबर। उन्होंने अपनी आंखों में काजल काला काजल लगाया, अपने केशों को 5 बार बांधा तथा तो शरीर को चमकते षड आभूषणों से अलंकृत किया। अपने पांवों में पायल डाली, अपने हाथों में क्षीर लड्डू पकड़े भगवान विशंबर चल दिए। मुरारी गुप्तेरे घरे गेला निजे अभ्यंतरे भोजन करे वेदिराज, मेघ गंभीर नादे निज मन पर सादे मुरारी बोलिया दिला टाक। वे पैदल चलकर मुरारी गुप्त के घर पहुंचे। चिकित्सकों का राजा अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। भगवान ने गरजते बादल जैसी आवाज में करुणा सहित पुकारा, मुरारी सारे सुनी संगरी ले गोरा चांदी ये कहिले गुप्त भेजा चमक की। तबे सही गौर हरी की करे बोली सही खाने है ले उपनीत। उस आवाज को सुनकर मुरारी को याद आया जो भगवान विश्वंभर ने कहा था। उसका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। तब गौर हरी ने कहा, क्या कर रहे हो? कहते उसके निकट खड़े हुए, तरस ना हो तुम्हें यही खाने आछी आमी भोजन करे वाणी बेल। मध्य भोजन बेला धीरे धीरे नेड़े गेला थाल भरिया मोती। वे बोले, डरो मत, मैं ही हूं, अपना भोजन ग्रहण करना जारी रखो। जब मुरारी खा रहे थे तो भगवान धीरे धीरे उसके निकट पहुंचे और अचानक भगवान गौर ने मूत्र से उसकी थाली को भर दिया। की बोली, छी छी करी उठी लाजे मुरारी कर ताली दिया बले गोरा, कर शिर नाड़िया भक्ति पद छाड़िया योग बले एया भी पार। मुरारी कूदा और चिल्लाने लगा, आह आह क्या तुम क्या कर रहे हो? भगवान गौर ने ताली बजाते उच्चारण किया, तुम भक्ति के मार्ग से दूर चले गए, अपना हाथ हिलाते और अपना सिर हिलाकर तुम योग की बात कर रहे हो। ज्ञान कर्म उप से रखिया कृष्ण भजे मन दिया रसिक विदग्ध चिदानंद, भौतिके आहार दृष्टि ओ नहि भजन स्पष्टि नहीं बुझे बुद्धि अति मंद। कर्म और ज्ञान को त्याग कर हृदय के अंतस्थल से भगवान कृष्ण की आराधना करो। भक्ति रूपी अमृतसर को आस्वादन करने में विद्वता प्राप्त करो। आनंद आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत हो जाओ। वह व्यक्ति जो केवल पदार्थ को देखता है वह भक्ति में प्रगति नहीं करता, वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि में भक्ति भाव को समझने की क्षमता नहीं। परम दयालु हरि त्यों सर्वशक्तिधारी जीवित संभव एक ही कथा, त्यों ब्रह्म सनातन गोपीर जीवन धन ना भजी यकीन देह व्यापार। भगवान हरि सर्वोच्च रूप से कृपालु हैं, उनमें समस्त शक्तियां निहित है, वे समस्त आत्माओं के पिता हैं, उनसे ही सनातन ब्रह्म प्रकट होते हैं, वे ही गोपियों के जीवन कोश हैं, तुम उनकी आराधना में अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित करते? इस प्रकार से भगवान गौर जो निमाई पंडित के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं मुरारी गुप्त के साथ, और मुरारी गुप्त को उसके द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। वो तब दे रहे हैं जब मुरारी गुप्त अपना भोजन थाली में भोजन कर रहे हैं। ये भगवान गौर की बाल्यकाल की लीला है। इस प्रकार की और भी लीला है,
हम आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की लीलाएं जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।